हाँ? आज मैं लॉबी में जैसे ही खड़ा था तभी मेरे पास रियोट भाई का रिक्वेस्ट आता है। हेलो रियोट भाई। हेलो। अरे रियोट भाई, हेलो। अरे यार, ये फ्री फायर का भी क्या क्या गिलेच है, कस्टमर घुसाना पड़ेगा। हेलो रियोट भाई। हेलो हेलो रियोट भाई, क्या हो गया, पोलियो की बीमारी लग गई का? हेलो हेलो। अरे रियोट भाई, आपकी आवाज को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, बस वो कल रात में सोया नहीं था। अच्छा अच्छा। अरे रियोट भाई, मैं क्या कह रहा था? अरे हाँ, बनाओ ना कस्टम। अरे रियोट भाई, मुझे लग रहा था तुम्हारा आवाज खराब हो गया है। हाँ, वो तो मेरा हो गया है। अरे रियोट भाई, इंडियन प्रेयर तुमसे कस्टम करना चाहता है, बुलाऊं क्या? अरे भाई, मरवाएगा क्या? चलो छोड़ो रियोट भाई, आ जाओ मुझसे ही कर लो वन वी वन। तू मुझसे वन वी वन करेगा? अरे रियोट भाई, अगर मुझसे कस्टम नहीं करोगे तो तुम्हारी और रानी की पोल खोल दूंगा। ठीक है, कस्टम बनाया जाए। चलो। आपको क्या लगता है गाइस कि हम लोगों में कौन जीतेगा? अरे यार, इतना लंबा सोचने को नहीं बोला। चलो तुम लोग छोड़ो, दीपक भाई तुम बताओ कि हम दोनों में कौन जीतेगा। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी नहीं जीतेगा, क्योंकि ये सब जिंदगी से हारे हुए लोग हैं, क्योंकि ये धरती के लिए बोझ है, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई जीत पाएगा। अगर आपके सामने कोई भी बड़ा यूट्यूबर आता है, जैसे मेरे सामने रियोट, और आप उसे हराना चाहते हो वन बी वन में, तो आज मैं आपको देने वाला हूँ कुछ आसान सी टिप्स एंड ट्रिक। इनका यूज करके आप उस यूट्यूबर की पेंट गीली कर दोगे। सबसे पहला ट्रिक, आपको फुल मूवमेंट दिखानी है, एकदम फुल, जिससे वो यूट्यूबर डर जाएगा और थोड़ा कम खेलेगा। अच्छा, ऐसे मूवमेंट दिखा दिखा के मारो उसे। वन टैप मारने का ट्राई ज्यादा करना, क्योंकि एक राउंड अगर आप जीतोगे ना, वो यूट्यूबर के अंदर डर बैठ जाएगा, ये वन टैप प्लेयर है, तो इसलिए वो छिप छिप के खेलेगा और वो मूवमेंट नहीं दिखाएगा जिसका फायदा लेके आप उसे हरा सकते हो। ऐसे करके आपको एक एक गोली वन टैप पे मारना है, ट्राई करना। वो नहीं लगा तो क्या हुआ, अब दूसरे राउंड में बताएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, और इस राउंड में हम आपको बताएंगे कि वन टैप कैसे मारते हैं। एक सही वन टैप मारने के लिए सही पोजीशन का भी जरूरी है। उस टाइम पे हमने गलत डायरेक्शन में वन टैप ट्राई कर लिया था। अब देखो, रियोट नीचे कूदा, अभी वन टैप मारने का मौका था, लेकिन हम ऊपर थे ना, तो टेंशन ना लो। देखो, वन टैप मारने का सबसे आसान तरीका ये है, अगर आप वन टैप मारना चाहो तो आपको जंप कर करके वन टैप मारना, और उस बंदे के शॉर्ट रेंज में उसके मुंह पे जाके वन टैप मारना, जैसे क्या है कि उसके अंदर काफी तगड़ा डर बैठेगा। अगर आप मुंह पे किसी के वन टैप मारते हो ना, तो दो राउंड आपको अगले वाले दो राउंड वैसे ही हार जाता है। क्या बात कर रहे हैं? तो आपको क्या करना है कि शॉर्ट रेंज में ज्यादा जाना और मुंह पे वन टैप मारना, समझ रहे हो? लॉन्ग रेंज से मार दोगे तो वो डरेगा नहीं, लेकिन मुंह पे बैठ के मारोगे ना। अब देखो, मैं शॉर्ट रेंज में रस मार के मुंह पे मारूंगा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। लेकिन एक सेकंड, एटीएम पर 100 रुपए प्राप्त हुए। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, किसी भी यूट्यूबर को वन बी वन में चैलेंज करके आप आराम से उसे हरा सकते हो, और अगर आप किसी भी यूट्यूबर से वन बी वन चैलेंज में पैसों का रख ले लेते हो, तो मतलब मान लो कि आपका जीत पक्का और आप उससे जीतने वाले हो काफी ज्यादा पैसे। तो आप किसी भी यूट्यूबर से 10-10, 20-20 हजार का टूर्नामेंट रखो, वन बी वन कस्टम रख लो भाई, मुझे बुला लेना, मैं आपको जिताऊंगा। अब देखो, ये रिवॉर्ड जो है ना, मूवमेंट ज्यादा दिखा रहा था, अब देखो इसको मैं ऐसे मारूंगा, ये कुत्तों की मौत मारूंगा, मूवमेंट दिखाना भूल जाएगा। देखो, हेड नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, हेड नहीं भी लगता है तो भी आप किसी भी यूट्यूबर को आराम से हरा सकते हो। कैसे? आपको हेड मारना आना चाहिए। अगर हेड मारना नहीं आता तो आपको बॉडी मारना आना चाहिए, क्योंकि हम भर के भी किसी भी यूट्यूबर को आराम से 1v1 में 7-0 पेल सकते हैं, भर भर के। अच्छा, तो इसीलिए आपको भरना आना चाहिए। अगर आप भरना नहीं सीखते हो तो हम बताएंगे कैसे, क्योंकि डबल एक्टर से आप बहुत अच्छा भरोगे। अब देखो, एक हेड लग रहा है, दूसरा लग ही नहीं रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये मूवमेंट ज्यादा दिखा रहा है ना, सुतरी का, इसको अभी पकड़ के मार दो, कहा है ए, कोई दिक्कत ना। अब देखो, किसी भी यूट्यूबर, अगर कोई भी यूट्यूबर आपके सामने वन वन करेगा ना, ऐसे मूवमेंट तो दिखाएगा, ये तो लाजमी है भाई, क्योंकि मूवमेंट नहीं दिखाएगा वो यूट्यूबर किस बात का।
अब टेंशन ना लो क्योंकि इनको अपने आप पे घमंड होता है ना कि हम लोग यूट्यूबर। अब देखो इसको आराम से प्यार से ऐड मारो ऐसे वैसे करके आप किसी भी यूट्यूबर को 1v1 में आराम से 7-0 फेंक सकते। ठीक है तो लाइक करो भाई सी बात पे। टिप नंबर 2, ऐसे खड़े रहो एक जगह पे। हाँ? वो मूवमेंट दिखाते दिखाते बेचारा निकलेगा 1-2 पट से 800। ऐसे करके आप किसी भी यूट्यूबर को आराम से मार सकते। ये हुई ना बात। पहली बात मूवमेंट बिल्कुल नहीं दिखानी। हाँ? दूसरी बात हेडशॉट का ट्राई नहीं करना, भरना है। कभी कभी होता है कि हम लोग भर के भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। हाँ? भर के भी हम राउंड नहीं जीत पाते हैं। हाँ? तो हमें ट्राई क्या करना है, अंधा भरना है। आए? अब अंधा भरना क्या होता है, ये एक नई टेक्निक है। आए? इसमें आपको बंदे में ऐसे घुस जाना है। पेटीएम पर 5,000 रुपए प्राप्त हुए। भरने से मुझे याद आया कि किसी भी यूट्यूबर में आप AWM भर सकते हो। AWM भरना बहुत आसान है। आपको अगर लग रहा है कि आपको यूट्यूबर जीतता जा रहा है और आपको जो यूट्यूबर से 1v1 में जीतना है तो आपको डबल AWM पकड़ लेना है। जैसे निकले तुरंत 150। 150 नहीं लगता, तुरंत 150। 150 लगेगा। मतलब आपको बस AWM आँख बंद करके मारनी है, जैसे निकले तुरंत 150। ऐसे करके आप एक राउंड जीत जाओ। हाँ? अब ऐसे ऐसे करके हम यूट्यूबर से जीत तो रहे थे। हाँ? लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा था क्योंकि सामने रियो टेप था। अब बड़ा यूट्यूबर हो तो आपको फार्मस चलानी है क्योंकि फार्मस से क्या होगा, आप जैसे उस बड़े यूट्यूबर को फार्मस से मारोगे तो वो शर्म के मारे अपने हाथों में चूड़ियां पहन लेगा। हाँ? और 1v1 कस्टम करना भूल जाएगा क्योंकि एक प्रो बंदा उसे फार्मस से मारेगा। हाँ? वो अपने आप को यूट्यूबर कहता है। अब रेड भाई के 5 मिलियन थे, फार्मस से मैंने 5 बार हेड मारा। रेड भाई को कैसा लग रहा होगा? हाँ? कैसा लग रहा होगा? क्या इतना बुरा। अब रियोट भाई को अपने ऊपर शर्म आ रही है तो हम और शर्मिंदा करने में देरी नहीं करेंगे। हाँ? अब हम पकड़ लेंगे डबल वेक्टर जो कि ब्रह्मास्त्र है। अब रियोट भाई को डबल वेक्टर से मारेंगे तो रियोट भाई को और कैसा लगेगा? हाँ? सोचो भाई कैसा लगेगा, चबा दो जैसा भी लगेगा, पहले मारते हैं उसके बाद बताएंगे कैसा लगेगा। चलो अल्लाह बोलते हैं रियोट भाई पे। चलो। और हेड मारेंगे रियोट भाई को। हाँ? ऐसे किसी भी यूट्यूबर को मारो एकदम बॉडी बॉडी बोट बंदी से। कैसा लग रहा है रियोट भाई? अब डबल वेक्टर से मारने के बाद भी मेरा मन नहीं भरा था, मैं रियोट भाई को और भी गिराना चाहता था। हाँ? मैंने पकड़ लिया ग्रेनेड और मैं मारने वाला हूँ रियोट भाई को एक ग्रेनेड से, यानी कि बॉम्ब से। ये हुई ना बात। बॉम्ब से रियोट भाई को ऐसे फोड़ देंगे, रियोट भाई कहेंगे भैंचोद ये प्लेयर है या क्या है। आए? तो आ जाओ बॉम्ब से किसी भी यूट्यूबर को कैसे मारे। हाँ? आपको बताते टिप। आए? टिप नंबर 1। हाँ? बॉम्ब हाथ में पकड़ के भागना नहीं है। जी हाँ, अगर आप ऐसा करोगे आपकी मूवमेंट कम होती है। टिप नंबर 2, जैसे ही दिखे तुरंत बॉम्ब फेंकने लग जाओ, भले ही वो भाग जाए उधर से या ना भागे, इधर दिखे उधर ही बॉम्ब फेंकते रहो, डैमेज तो पड़ेगा ससुरे को। और देखो ग्लू वॉल थोड़ा बहुत लगा लेना। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये वाला राउंड हम हार चुके तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट राउंड में फिर बम फेंकेंगे। ये ले ए, ये ले तू भी ले। हुया 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 करे 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 कर। और ऐसा करके हम रियोट भाई को 7-5 से हरा देते हैं। रियोट भाई को हमने ऐसी ऐसी घनों से मारा जैसे कि प्रो बंदा आपस में मर ही नहीं सकता। रियोट भाई एक बार अब्बा बोलो, अब्बा बोलो पापा पापा।